हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन हमीरपुर ने एक और रिटर्न रिजल्ट डिक्लेयर किया है। तो 12 अगस्त 2021 को इससे पहले भी जो है वो आयोग ने है वो 3 रिजल्ट डिक्लेयर कर दिए, जिसमें कि 2 रिटर्न रिजल्ट है और 1 फाइनल रिजल्ट है। तो ये जो है वो आज का 4th रिजल्ट है। तो बात करें किस पोस्ट कोड के लिए, तो ये जो है वो जूनियर इंजीनियर के लिए, जिसका पोस्ट कोड 828 है। ठीक है, तो इसमें अगर बात करें कि टोटल नंबर ऑफ पोस्ट की, तो यहाँ पे 3 जो है वो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है, जिसमें जनरल रिजर्व की एक और ओबीसी बीपीएल की एक और एसटी रिजर्व की एक पोस्ट है। ठीक है, तो ये जो एग्ज़ाम हुआ था, ये एग्ज़ाम 21/2/21 को हुआ था फरवरी में। तो आयोग के पास एप्लीकेशन रिसीव हुए थे वो 3,340 हुए थे और 2,713 कैंडिडेट्स को फाइनली मतलब जो है वो एडमिट कार्ड जारी किया गया था रिजेक्ट लिस्ट के बाद। उसके बाद यहाँ पे जो है कैंडिडेट्स एग्ज़ाम देने के लिए आए थे, वो सिर्फ कैंडिडेट आए थे 1,542 और जो 1,171 कैंडिडेट एबसेंट रहे थे। तो इन जो 1,542 कैंडिडेट्स में से 13 कैंडिडेट्स को जो है वो रिटर्न क्वालिफाई कर पाए हैं, तो इन्हें इवेल्यूशन के लिए आगे सेलेक्ट किया गया है। ठीक है, तो 1 सितंबर को जो है इन कैंडिडेट्स का इवेल्यूशन होगा। ठीक है, तो बात करते हैं कि आयोग ने 2 नोटिफिकेशन भी जारी किए हैं, तो वो भी देख लेते हैं कि कौन सी नोटिफिकेशन है। तो आज 12/8/2021 को 2 एग्ज़ाम हुए हैं, तो जो है जूनियर ऑफिसर पीएनडी पोस्ट कोड 913 का, तो इसकी जो आंसर किया वो आयोग ने जारी कर दिया। तो अगर किसी को आपत्तियाँ हैं तो वो ऑफलाइन कैंडिडेट जो है वो 9/8/2021 तक आपत्तियाँ दर्ज करवा सकता है। जिस क्वेश्चन का भी वो मतलब आंसर उन्हें लगता है कि आयोग ने गलत डाला है, तो वो अपनी आपत्तियाँ दर्ज करवा सकता है ऑफलाइन माध्यम से 5 बजे तक 9/8/2021 तक। ठीक है, तो आपको ये जो है हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, या फिर ऐसे आप आयोग की वेबसाइट से जाके भी डाउनलोड कर सकते हो। नेक्स्ट जो नोटिफिकेशन है वो सेम रहने वाले है, मेंटेनेंस सुपरवाइजर पोस्ट कोड 897 के लिए। ठीक है, तो ये भी आंसर की जारी किया है, तो इसमें सेम यही है कि आप पत्ते दर्ज कर आप 19/8/2021 तक करवा सकते हो। तो ये आज ही एग्ज़ाम हुए, तो आज ही इनके आंसर की जारी कर दी है। ठीक है, तो काफ़ी बार ऐसे होते हैं कि आयोग जो है वो एक एक हफ्ते जो है आंसर की जारी नहीं करता, और कभी कभी जो है वो जिस दिन एग्ज़ाम होता है उसी दिन जो है आंसर की अपडेट कर देता है। ठीक है, तो आपको ये आंसर की भी हमारे चैनल पे मिल जाएगी, व्हाट्सएप पे भी और टेलीग्राम पे भी। तो आपको इस वीडियो में ये जानकारी देनी थी। धन्यवाद।